नेक्स्ट फीचर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। ब्राउज़र्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिस पे भी हम हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, राइट। ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग उसके बिल्ट इन नेविगेटर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेविगेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि ऐप कोड नेम, राइट, वो उस ब्राउज़र का कोड नेम कंटेन करेगा। सो वो यूज़ करके हम लोग उस ब्राउज़र का कोड नेम देख सकते हैं। ऐप वर्जन, करंटली उस ब्राउज़र का क्या वर्जन है, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ओके। सो ये एक टू लेटर एब्रिवेशन देगा कि ब्राउज़र कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। माइम टाइप, प्लेटफॉर्म, ओके, ये सारे नेविगेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। सिक्स्थ देखिए नेविगेटर की प्रॉपर्टी है प्लगइन्स। हमारे ब्राउज़र पर कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है उसकी पूरी एरे देगा, राइट। प्लगइन्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी किया था कि प्लगइन्स को यूज़ करके, राइट, जब हमने मल्टीमीडिया पढ़ा था तो हम लोगों ने चेक किया था कि प्लगइन्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि आपके जो ब्राउज़र पे कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, ओके। एंड यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट उस पर्टिकुलर ब्राउज़र का कोड नेम और वर्जन आपको देता है, राइट। ये देखिए ये हमारा बेसिक HTML पेज है, ओके। तो चलिए अब हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ब्राउज़र का वर्जन और उसका नेम क्या है, ओके। सो ये एक ब्राउज़र डिटेक्शन का एग्जांपल है, ओके। सो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, राइट, वेरिएबल यूज़र एजेंट, हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं, राइट, और उसमें वैल्यू लिखते हैं नेविगेटर डॉट यूज़र एजेंट, ओके। सो जो भी हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसका हमें फाइंड करना है कि उसका यूज़र एजेंट क्या होगा। यूज़र एजेंट एक प्रॉपर्टी है जिससे हम उसका नेम और उसका वर्जन फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हम कौन से ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं। अगर वो डिटेक्ट होते हैं तो उनके यूज़र एजेंट के थ्रू हम लोग उनका नेम और वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं ओपेरा। इट मीन्स अगर ब्राउज़र ओपेरा है तो उसका नेम एंड वर्जन प्रिंट होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र एजेंट डॉट इंडेक्स ऑफ ओपेरा नॉट इक्वल टू -1, क्लियर। सिमिलरली हम लिखते हैं कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसके लिए वेरिएबल लेते हैं IE, और सेम हम लिखेंगे यूज़र एजेंट इंडेक्स ऑफ, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर सेम वैल्यू हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र एजेंट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसके लिए लिखेंगे हम MSIE, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। और भी हमें जो भी ब्राउज़र्स के लिए चेक कराना है तो वो हम यहीं पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेटस्केप के लिए, राइट, वेरिएबल नेटस्केप इक्वल टू सेम यूज़र एजेंट इंडेक्स ऑफ Mozilla, ओके, नॉट इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पर कुछ तीन ब्राउजर्स के लिए हमने लिखा है, Opera, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड Mozilla के लिए, ओके। सो नेक्स्ट वर्जन के लिए भी एक वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पर हम उसका वर्जन डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो वर्जन नेविगेटर ऐप वर्जन मीन्स करंट आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो इस ब्राउज़र का, वो भी आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर, ओके। सो ये कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जिन भी ब्राउज़र्स के लिए हमें चेक कराना, और यहाँ पर अब हम एक इफ़ कंडीशन देंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ कोई भी ब्राउज़र का नेम लिखे, लाइक हम लिखते हैं इफ़ द वेरिएबल इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। सो वो इफ़ कंडीशन में आएगा एंड प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ड ब्राउज़र, ओके। लेकिन अगर ये चीज़ फॉल्स है,
तो वो इस इफ के बाद आएगा, और अब हम चेक करेंगे एल्स इफ, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे कि अगर वो नेटस्केप है तो, ओके। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे कि इट इज़ अ नेटस्केप बेस्ड ब्राउज़र, ठीक है। सेम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, और वहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज़ अ नेटस्केप बेस्ड ब्राउज़र, ओके। और उसके बाद अगेन एक एल्स सिर्फ ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ तीन वेरिएबल्स लिए, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप, राइट। तो हम सिर्फ दो के लिए यहाँ चेक करवाएंगे इफ एल्स, और लास्ट में हम एल्स के साथ उसको क्लोज कर सकते हैं। एक और इफ एल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने और भी वेरिएबल्स या और भी ब्राउज़र्स के लिए यहाँ पर चेक कराया है तो आप एल्स इफ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे एल्स, सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि अननोन ब्राउज़र, ओके। इनके अलावा अगर कोई और ब्राउज़र है तो हम लिखेंगे अननोन ब्राउज़र, ओके। और लास्ट में आप ब्राउज़र की जो वैल्यूज़ हैं या ब्राउज़र के जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउज़र वर्जन इन्फो, ब्राउज़र की वर्जन इन्फो अगर डिस्प्ले करवानी है तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे वर्जन, जो हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया था, ओके। यहाँ पर देखिए वर्जन, और हमने लिया था नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन। इससे जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसका जो करंट वर्जन है वो यहाँ पर फाइंड होगा, और वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्लियर। सो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है, और हमें आउटपुट में क्या मिलता है कि हमने ये प्रोग्राम कौन से ब्राउज़र पे रन किया है, उस ब्राउज़र का नेम और उसका जो वर्जन है वो हमें डिस्प्ले होगा, ओके। ये देखिए इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें ये आउटपुट मिला है, ओके। ये प्रोग्राम हमने फायरफॉक्स में रन किया है, ओके। सो जिस भी ब्राउज़र पे हमने रन किया है उस ब्राउज़र का यूज़र एजेंट, दैट इज़ उसका नेम, तो नेम यहाँ पर आया है इट इज़ अ नेटस्केप बेस्ड ब्राउज़र, ओके। यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल लिया था नेटस्केप, राइट, यूज़र एजेंट इंडेक्स ऑफ मोज़िला, राइट। एंड यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन में सबसे पहले वो चेक करेगा कि वो ब्राउज़र ओपेरा तो नहीं है, राइट, तो वो एल्स पार्ट में आएगा, फिर चेक करता है कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं है, एंड फिर वो यहाँ पर आता है कि वो नेटस्केप ब्राउज़र तो नहीं है, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही हम उसको फायरफॉक्स में रन करेंगे वो इस एल्स इफ पार्ट में आएगा, और यहाँ पर जो मैसेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट में कि इट इज़ अ नेटस्केप बेस्ड ब्राउज़र, वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट होता है, ओके। ब्राउज़र की वर्जन इंफॉर्मेशन है कि जो ब्राउज़र जिस पर हमने प्रोग्राम रन किया है उसका वर्जन है 5.0, ओके। सो ये है बेसिक ब्राउज़र डिटेक्शन एग्जांपल, जहाँ पर हम लोग वेरियस ब्राउज़र्स उसका यूज़र एजेंट और उसकी वर्जन फाइंड करते हैं, ओके। नेविगेटर प्रॉपर्टीज़ के बाद नेविगेटर के कुछ मेथड्स भी होते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग ब्राउज़र के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट है जावा इनेबल्ड, सो ये मेथड डिटरमाइन करेगा कि जावा स्क्रिप्ट को हमें इनेबल करना है या नहीं करना है, राइट। अगर ये ट्रू है इट मींस जावा स्क्रिप्ट इनेबल है, और अगर ये फॉल्स है तो जावा स्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, राइट। उसी टाइप से प्लगइन्स रिफ्रेश, प्रेफरेंस, राइट, टैंट इनेबल्ड, सो ये सारे नेविगेटर मेथड्स हैं जो कि हम लोग ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, पेज का वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। मल्टीमीडिया को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग हमारे पेज में यूज़ कर सकते हैं, राइट।
एंड डिबगिंग कैसे की जाती है, बग्स क्या होते हैं और अलग अलग ब्राउज़र्स पर स्क्रिप्ट में अगर बग्स आते हैं तो उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, इमेज मैप जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ किया जाता है और ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के बारे में भी हमने स्टडी किया था. ओके सो इस पूरे ट्यूटोरियल में हमने बेसिक से लेकर एडवांस जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं. राइट सो आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट इस कोर्स के बाद आप लोग क्या लर्न कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. राइट सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के बाद आप कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. थैंक यू.